नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी। जनता ने सीएम के सामने अपनी समस्याएं रखी है, जिसके निराकरण के लिए सीएम ने अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए। साथ ही आगे से ऐसी समस्याएं न मिलने की भी सख्त चेतावनी दी है। सीएम ने अधिकारियों को फौरन निस्तारण के आदेश दिए हैं। इस दौरान पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा बेहद अहम, और आज वो जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनते हुए नजर आए। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों के पास जाकर उनकी समस्याओं को सुन रहे, और सभी को, खासतौर पर अधिकारियों को, सख्त निर्देश भी देते हुए नजर आए। तो सीएम योगी सभी के पास जाकर उनकी समस्याओं को सुनते हुए नजर आए और फरियादियों के समस्याओं के निस्तारण के आदेश भी अधिकारियों को दिए। साथ ही ऐसी समस्याएं दोबारा उत्पन्न ना हो, इसके लिए सख्त चेतावनी देते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। तो इस जनता दरबार कार्यक्रम के दौरान आला अधिकारी भी मौजूद रहे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवनीश मणि त्रिपाठी गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, आज गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है? गोरखपुर पहुंचे प्रयागराज से, रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर किया, उसके बाद जो है जनता दर्शन लगाया। जनता दर्शन में लगभग 300 से ऊपर फरियादी आए थे, जिससे सबसे अधिक मामले जो है जमीनी विवाद को लेकर के आए थे, राजस्व विभाग के। राजस्व विभाग की लापरवाही भी पाई जा रही है लगातार, अगर माना जा रहा है भूमाफिया, और राजस्व विभाग की शिकायत जो है निरंतर की जा रही है। वहीं हम आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है राजस्व विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देशित भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही भी हो रही है, आए दिन वो निलंबित भी हो रहे हैं। वहीं पुलिस संबंधित भी कुछ मामले आए, लोग थाने पे जा रहे हैं जिनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जा रहा है, ऐसी भी शिकायतें जनता दर्शन में। सबसे अधिक जनता दर्शन में महिलाएं पहुंची थी, लगभग 90%। वहीं अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका पैसे के अभाव में इलाज नहीं हो पा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के मुखिया ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी किया है कि शासन को इनकी मंशा बना करके भेजी जाए, ताकि इनका समुचित इलाज समुचित तरीके से हो सके और कोई पैसे के अभाव में किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो। वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया जब भी उत्तर प्रदेश गोरखपुर में रहते हैं तो गोरखपुर वासियों को कुछ ना कुछ बड़ी सौगात देते हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के मुखिया का गोरखपुर में एक दिवसीय दौरा रहा। और वहीं झारखंड चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है कुछ देर पहले झारखंड के लिए प्रस्थान किया। बिल्कुल, ऐसे में झारखंड में रैली को देखते हुए गोरखपुर से निकल चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जैसा कि आपने अवनीश बताया कि भू माफियाओं के से जुड़े संबंधित समस्याओं से लोगों को रूबरू होना पड़ रहा है, भू माफियाओं पर लगातार सीएम योगी सरकार शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है, फिर भी इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, लूपहोल्स क्यों? वो माफिया जो है, क्योंकि माना जा रहा है, उनका यह कहना है कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है, तमाम चीजों का हवाला भी देते हैं भू माफिया। पुलिस लगातार कार्रवाई भी करती है, भू माफियाओं को जेल भी भेजा जाता है, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होता है। वहीं अगर योगी सरकार कुछ नए निर्देश ले आएगी, कुछ अलग तरीके से वो प्रस्ताव जारी करेगी, तब भू माफियाओं पर नकेल कसा जा सकता है। जैसा कि आपने देखा बीते दिनों देवरिया में जो कांड हुआ था छेड़छाड़ का, वहां लगड़ा कांड उस दिन से शुरू हो गया। तो अगर कोई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता नजर आ रहा है तो योगी सरकार लगातार उनके खिलाफ जो है उन लगड़ा कांड शुरू कर दिया। तो वहीं कहीं ना कहीं से माना जाए, लोगों का मानना यह है कि अगर इस तरीके की कार्यवाही भू माफियाओं के खिलाफ भी होने लगेगी तो जो भू माफिया जो है गरीबों को जिस तरीके से सता रहे हैं वह निरंतर इससे मुक्त हो जाएंगे, ऐसा लोगों के बीच जो है सरगर्मी बनी हुई। बिल्कुल, जैसा कि अवनीश आपने बताया कि जनता थाने में किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, इसकी भी शिकायत सीएम योगी तक पहुंचाई गई है। आखिर किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है थाना प्रभारियों के द्वारा थानाओं में, खासतौर पर महिलाओं के साथ? महिलाएं थाने पर पहुंच जाती हैं तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनका ये कहना मुकदमा तो लिखना ही है लेकिन कम से कम इसको दौड़ा दें, और मर्यादित भाषाओं का भी प्रयोग करते हैं। अगर महिला संबंधित और उनके पिता भाई कोई साथ अन्य पहुंच जा रहे हैं थाने पे, तो वहीं संबंधित अधिकारी जो है उनको फटकार लगा करके किसी तरीके से मामले को मैनेज करने का दबाव भी बनाते हैं।
इस तरह की बात आ रही है। बीते दिनों मैं बता दूं, परावार थाना है जहां पे एक महिला शिकायत लेकर के पहुंची थी, वहीं एक सिपाही और एक दरोगा द्वारा उसके साथ अनियमितता बरती गई और उसको फटकार भी लगाया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि संबंधित अधिकारियों के जो है पास जाओगे कोई कार्रवाई नहीं होगा, तुम जो है सीधे मामले को सुलह कर लो, बैठ करके पंचायत करो। लगातार माना जाए तो थाने में अगर पंचायत की बात करें तो लगातार थाने में पंचायत भी बड़े पैमाने पर हो रही है, क्योंकि एडीजी का सख्त आदेश है कि थाने में किसी तरीके की पंचायत नहीं होगी। वहीं अगर हम बात करें गोरखपुर में यातायात व्यवस्था की, तो संजय कुमार एसपी जो है लगातार यातायात व्यवस्थाओं को लेकर के समुचित तरीके से लगे हुए हैं और लगातार पुलिस बीट भी बनाए गए हैं, यातायात पुलिसकर्मी जो है मार्ग को छुड़ाने में भी है। जैसा कि आप जानें त्योहार है इस समय और त्योहारों में यातायात के जो पुलिसकर्मी है निरंतर युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। बिल्कुल अवनीश, पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, शिकायतकर्ताओं के साथ इस तरीके से अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे में शिकायत मिलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ आदेश दिए हैं? जी, संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा रही है और लेकिन फिर भी अपने रवैये से बाज नहीं आ रहे। बिल्कुल, ऐसे में सख्त निर्देश के आदेश दिए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। बहुत शुक्रिया अवनीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सीएम योगी ने आज जनता दरबार लगाया जिसमें कई फरियादी अपनी समस्याओं को सीएम योगी के सामने रखते हुए नजर आए। खबरें बढ़ते आगे, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। उपचुनाव में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, केंद्र यूपी सरकार के 6 मंत्री चुनाव प्रचार में उतारे गए हैं। जितिन प्रसाद, सुनील शर्मा, नरेंद्र कश्यप जनसंपर्क में जुटे हैं। असीम अरुण, कपिल देव सिंह सभा और जनसंपर्क में जुटे हुए नजर आएंगे। एक हफ्ता चलेगा चुनाव प्रचार, सभी पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। उपचुनाव को लेकर लगातार दोनों ही पार्टियों की तरफ से रैलियों का दौर भी जारी है, चुनावी हुंकार भरा जा रहा है और ऐसे में केंद्र में यूपी सरकार के 6 मंत्री चुनाव प्रचार में उतारे गए हैं। तो जितिन प्रसाद, सुनील शर्मा, नरेंद्र कश्यप जनसंपर्क में जुटे हैं। असीम अरुण, कपिल देव सिंह सभा और जनसंपर्क करते हुए नजर आए। तो एक हफ्ता चलेगा यह चुनाव प्रचार, सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है क्योंकि उपचुनाव 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और ऐसे में दोनों ही पार्टियां, खासतौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी, दोनों ही सेमीफाइनल के लिए तैयार नजर आ रही है। और अब 6 कैबिनेट मंत्री को उतारा गया है चुनाव प्रचार के लिए। केंद्र यूपी सरकार के 6 मंत्री चुनाव प्रचार में उतारे गए हैं और जितिन प्रसाद, सुनील शर्मा, नरेंद्र कश्यप जनसंपर्क में जुटे हुए नजर आएंगे। तो उपचुनाव से पहले बीजेपी बिल्कुल तैयार नजर आ रही है, खासतौर पर बीजेपी के लिए उपचुनाव साख और नाक का सवाल है। ऐसे में कोई भी कमी बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती। तो यूपी सरकार के 6 मंत्री इस चुनाव प्रचार में उतारे गए हैं। एक हफ्ता चुनाव प्रचार, सभी पार्टियों ने ताकत झोंक रखी है इस पूरे चुनाव को लेकर। हमारे साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बीजेपी के लिए उपचुनाव साख और नाक का सवाल है, ऐसे में आप देख सकते हैं 6 मंत्री चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए भी नाक का चुनाव बना हुआ है। समाजवादी पार्टी का जो लोकसभा चुनाव में एयर बना था और समाजवादी पार्टी को काफी हद तक सफलता भी मिली थी, उस गणित को फेल करने के लिए सबसे बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की है। भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर पर जो इंडिया गठबंधन की तरफ से हवा बनाई गई थी, संविधान खतरे में है, पिछड़ा और दलितों का आरक्षण खतरे में है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम जहां पर 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है ये धरातल पर उतर गए हैं और एक तरह से जनता के बीच ये जाकर के इंडिया गठबंधन की जो हवा हवाई की बातें थी उसकी पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हर स्तर पर अपने अभियान में जुटी हुई है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सीटों पर चुनावी सभाएं की और आधा दर्जन ही नहीं बल्कि 2 दर्जन मंत्री जो हैं वो इन 9 सीटों पर लगा दिए गए हैं। इसके अलावा जिस जाति के वोटरों की संख्या ज्यादा है वहां पर जो प्रभावशाली नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के उनको जिम्मेदारी सौंपी है।
बूथ स्तर पर घर घर जाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई। अनिल जी, इस चुनाव प्रचार के लिए किसे कमान थमाया गया है, कौन कौन से वो मंत्री है जो जनसंपर्क करते हुए नजर आएंगे? देखिए, इस चुनाव की कमान तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। एक चरण की जो चुनावी सभाएं हैं, कोई ऐसी विधानसभा नहीं बची है जहां पर मुख्यमंत्री ने चुनावी सभा नहीं की है। और ये भी माना जा रहा है कि अभी और अंतिम दौर में चुनाव को मथने के लिए योगी आदित्यनाथ फिर एक बार चुनावी सभा करेंगे। रही बात अन्य मंत्रियों की, तो उसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद हैं, अपना दल की अनुप्रिया पटेल हैं, उनके पति जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। तमाम मंत्री जो है वो क्षेत्रों में दौड़ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। इसके अलावा दर्जनों विधायकों की भी ड्यूटी जो है वो चुनाव प्रचार में लगाई गई है। बिल्कुल, माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि उपचुनाव बेहद नजदीक है। मतदान 20 नवंबर को किए जाएंगे और ऐसे में जितिन प्रसाद से लेकर तमाम मंत्री चुनाव प्रचार और जनसंपर्क में जुटे हुए नजर आएंगे। अनिल जी, सवाल ये भी है क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बैकफुट पर नजर आई, ऐसे में बीजेपी के उपचुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति है? देखिए, बीजेपी की तरफ से लगातार ये मंथन किया जा रहा है कि आखिर लोकसभा चुनाव में कहां पर चूक हुई। तो जो संविधान बचाने और आरक्षण का जो मुद्दा इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की तरफ से उठाया गया था, उसको देखते हुए जो इंडिया गठबंधन ने एयर बनाई थी, उस एयर का गुब्बारा फोड़ना जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी रणनीति में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हों, मंत्री हों, कार्यकर्ता हों, बूथ स्तर के जो पदाधिकारी हैं, ये सब लगे हुए हैं और जनता के बीच में ये जाकर के बताने का काम कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने केवल फर्जी अफवाहों को, कोरी अफवाहों के बल पर लोकसभा चुनाव में ये सफलता हासिल की थी। विधानसभा चुनाव में फिर पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जनता को सचेत कर रहे हैं। खासकर पिछड़े वर्ग, दलित जो वोटर हैं, उनके बीच जो है भाजपा की पूरी टीम ने बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार वोट बैंक में सेंधमारी समाजवादी पार्टी नहीं कर पाए। ऐसे में तमाम वो रणनीति भी तैयार की गई है। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे, मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद कोर्ट में वकीलों की पिटाई का यह पूरा मामला। वेस्ट यूपी के 22 जिलों में आज से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। घटना के विरोध में वकील रोज 2 घंटे प्रदर्शन करेंगे। वेस्ट यूपी के 22 जिलों के लोगों की बढ़ेगी मुश्किलें। 10 से नाराज वकील रोज 2 घंटे के लिए रोड जाम करते हुए नजर आएंगे। तो पश्चिमी यूपी के 22 जिलों में आज से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जज के खिलाफ लोगों का गुस्सा, खासतौर पर वकीलों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। और इस पूरे घटनाक्रम में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि जज से नाराज वकील रोज 2 घंटे के लिए रोड जाम करेंगे, जिससे आवाजाही में लोगों को परेशानी होगी, तो यातायात में भी दिक्कतें लोगों को देखने को मिलेगी। ऐसे में वेस्ट यूपी के 22 जिलों के लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी। तो जज से नाराज वकील रोज 2 घंटे के लिए रोड जाम करते हुए नजर आएंगे। वकीलों की पिटाई का ये पूरा मामला है जिसको लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश है। तो गाजियाबाद जिला जज कोर्ट में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में वकीलों की ये हड़ताल लगातार जारी है और अब एक बार फिर से वकील अपना आक्रोश प्रदर्शित करते हुए नजर आएंगे। 2 घंटे रोड को जाम रखेंगे हर दिन। तो 22 जिलों में आज से धरना प्रदर्शन शुरू होगा। वेस्ट यूपी के 22 जिलों में आज से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। घटना के विरोध में वकील रोज 2 घंटे प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। पश्चिमी यूपी के 22 जिलों के लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी क्योंकि रोड जाम करने के बाद आवाजाही में लोगों को दिक्कत होगी और ऐसे में यातायात पुलिस भी सतर्क है। तो गाजियाबाद में जिला जज कोर्ट में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में आक्रोश लोगों का थमने का नाम नहीं ले रहा। और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में आज से वकीलों की हड़ताल शुरू होगी।
हजारों वकील चक्का जाम करते हुए आज से नजर आएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहरुख, क्या कुछ है ये पूरा मामला जिसको लेकर वकीलों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा? जी बिल्कुल सुशील, मैं आपको बताना चाहूंगा 29 अक्टूबर को वकीलों में और जजों में गाजियाबाद कचहरी परिसर में नोकझोंक हुई थी, जिसको लेकर के काफी हंगामा हुआ था। वकीलों ने गुस्साओं में वहां जो है चौकी भी फूंक दी थी और ये हंगामा अब उत्तर प्रदेश में फैल चुका है। वैसे ही आज प्रस्ताव पास किया गया है जिनके आज मांगे मेरठ के बारे में अध्यक्ष रोहतांश अग्रवाल ने रखी है। उसमें कहा गया है जो ये नोकझोंक जिस जज से हुई थी उसका तबादला कराया जाए और जिस पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज किया था उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और जिस वकीलों के साथ मारपीट हुई थी उनको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाए और जो वकीलों पे मुकदमे किए गए हैं उनको तत्काल वापस लिया जाए, नहीं तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। और इसी को देखते हुए आज कचहरी में हड़ताल की हुई है और इन दो समितियों ने इसको प्रस्ताव को रखा है। 21 नवंबर का इसमें टाइम दिया गया है कि 21 नवंबर तक तत्काल तबादला किया जाए। बिल्कुल, ऐसे में लगातार वकीलों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। 22 जिलों में हर दिन यानी कि रोजाना 2 घंटे चक्का जाम किया जाएगा, रोड पर प्रदर्शन किया जाएगा। कौन कौन से वो 22 जिले हैं शाहरुख? जी बिल्कुल, यहाँ मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद और जो है शामली, बागपत, ये कई जिलों में उत्तर प्रदेश के 22 जिलों को इन्होंने एक प्रस्ताव में लिख करके दिया है जिसमें रोड जाम रखा जाएगा अगर ये मांगे 21 नवंबर का इन्होंने आज प्रस्ताव पास किया है। अगर 21 नवंबर तक ये मांगे नहीं मांग पूरी गई है तो इसमें उत्तर प्रदेश में बिल्कुल रोडों पर वकील आकर के चक्का जाम कर देंगे और हड़ताल तब तक ही चालू रहेगी। बहुत शुक्रिया शाहरुख आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वकीलों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा, ऐसे में 22 जिले जहां पर वकील प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। खबरों बढ़ते आगे, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। कुंभ मेला की मेले की तैयारियां तेज हो गई है। 2000 घरों में ठहरेंगे देशी विदेशी पर्यटक। पर्यटन विभाग ने 2000 घर होम स्टे के लिए चिन्हित किए हैं। खाने के लिए रहेगी फूड जोन की व्यवस्था। तो कुंभ मेले की तैयारी तेज हो गई है और ऐसे में 2000 घरों को चिन्हित किया गया है जहां होम स्टे किया जाएगा और इन घरों में फूड व्यवस्था भी की जाएगी। फूड जोन की भी व्यवस्था की गई है। तमाम तरीके से लगातार प्रशासन भी कुंभ मेले को लेकर सजग नजर आ रहा है, तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में 2000 घरों में देशी और विदेशी पर्यटक ठहरते हुए नजर आएंगे। पर्यटन विभाग ने 2000 घर को होम स्टे के लिए चिन्हित किया है जहां पर तमाम व्यवस्थाएं पर्यटकों के लिए रहेगी। ऐसे में खाने के लिए भी फूड जोन की व्यवस्था की गई है। 2000 घर होंगे जिन्हें होम स्टे के लिए बनाया गया है पर्यटकों के लिए। तो कुंभ मेले की तैयारियां लगातार तेज है। 2025 में कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शोएब रिजवी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, कुंभ मेले को लेकर तैयारियां तेज है, 2000 घरों में ठहरने की व्यवस्थाएं की गई है, होम स्टे को लेकर चिन्हित किया गया है। 2025 से कुंभ होगा ये अनुमान लगाया जा रहा है। 35 से 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे संगम नगरी में। इस वजह से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको किया जा रहा है और खासतौर से जो स्टे के लिए एक नई पहल कह सकते इस बार रहेगी। पेइंग गेस्ट की तरफ करीब 2000 के आसपास या इससे ज्यादा घर को चिन्हित किया गया है जो जिनके घरों पर भी गेस्ट की तरफ जो श्रद्धालु है रुक सकते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था रहेगी। ये एक नई पहल होगी क्योंकि उस वक्त जो यहाँ पर होटल्स है या और भी सज जगह है वो कम पड़ जाती है, तो ऐसे में एक नई व्यवस्था की गई है जो दूसरे और विदेशी श्रद्धालु है उनके लिए एक नया अनुभव। बिल्कुल, 2000 घर होम स्टे के लिए चिन्हित किए गए हैं, उन घरों में क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी? देखिए, क्योंकि घर को इसलिए चिन्हित किया गया कि जो घर का एटमॉस्फेयर है, जो घर का माहौल है वो फील हो, चाहे वो देशी या विदेशी जो भी श्रद्धालु होंगे तो उनको वो घर की जो मेंबर्स हैं उनके
बीच में कह सकते हैं कि वही उसी घर में रुकने का अनुभव होगा, जहाँ तक रहने खाने पीने की व्यवस्थाएं जो एक गेस्ट के लिए की जाती है वो तरह की सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर मौजूद रहेगी, क्योंकि तमाम होटल्स या जो इसके के लिए जगह बंद नहीं है। इसके अलावा ये एक नई कोशिश की जा रही है, जो घर हैं आसपास उस इलाकों में उन घरों को चिन्हित किया जा रहा है, जो ऐसे लोग इंटरेस्टेड हैं जिनके घर की स्थिति ज़्यादा है उनके घर में गेस्ट रुक सकते हैं, ऐसे घरों को चिन्हित किया जा रहा है और उन घरों में जो देसी विदेशी श्रद्धालु आएंगे वो एज ए पेइंग गेस्ट की तरह वहाँ रुक सकते हैं, उनको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो घर पर मिलती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इससे एक नया अनुभव लेकर के श्रद्धालु जाएंगे, इस तरह की कोशिश की जा रही है। इस तरह की तमाम कोशिशें हैं तमाम विभागों की तरफ से की जा रही है, जो एक तरह से कह सकते हैं इस बार नए तरीके की कोशिशें होंगी, उसी कड़ी में ये व्यवस्था की जा रही है। जो बिल्कुल घर से दूर घर का अनुभव लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। शोएब, कुंभ मेले की तैयारी तेज तो है लेकिन कितने लोगों की आने की संभावनाएं जताई गई है? देखिए, जो अनुमानित संख्या है वो करीब 35 से 40 करोड़ के आसपास इन स्नान पर्व प्रतिदिन फरवरी के महीने से जब ये शुरू होगा तो फरवरी लास्ट तक ये चलेगा। इस समय सीमा के बीच में अलग अलग तारीखों पर जो स्नान पर्व शाही स्नान पर्व पड़ेंगे उसमें बहुत ज्यादा श्रद्धालु की संख्या होती है, लेकिन रूटीन वे में लगातार इन स्नान पर्वों पर के अलावा भी जो ये पूरा महीना होगा यहाँ पे श्रद्धालुओं का आवागमन रहेगा, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 35 से 40 करोड़ श्रद्धालु इस बार संगम नगरी विजिट करेंगे, ये इस धार्मिक यात्रा पर आएंगे। इसमें न सिर्फ देशी बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी होंगे। 35 से 40 लाख श्रद्धालु इस बार कुंभ मेले में आएंगे। बहुत शुक्रिया शोएब आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। कुंभ मेले की तैयारियां तेज है, 2000 से ज्यादा घरों को होम स्टे के लिए चिन्हित किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए इंडिया वॉइस।